भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने विधानसभा पिहोवा के गांव मोरथली से धुआंधार प्रचार की शुरुआत की। भाजपा के सभी कार्यक्रमों में जनसैलाब उमड़ रहा है, हर जगह लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। गांव नीमवाला में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी 70 साल से झूठ के भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए आ रही है। प्रधानमंत्री रहते जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी हटाने का नारा दिया, उसके बाद में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, फिर राजीव गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, उसके बाद पूर्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया और आज वही नारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दे रहे हैं। जब 70 वर्षों में गरीबी नहीं हटी तो आज कैसे गरीबी हटाएंगे। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राहुल गांधी कभी बोलते हैं कि ऐसी मशीन लेकर आऊंगा, जब उसमें आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और इस विधानसभा के अंदर ये मेरा दूसरा दौरा है पिहोवा विधानसभा में। एक दिन पहले 6 गांव निकाले थे, शहर के कार्यक्रम थे और आज लगभग 28 गांव के कार्यक्रम आज रखे गए हैं। लोगों का एक हजूम उमड़ करके आ रहा है, आज हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है, मोदी मोदी मोदी। जब 23 मई को रिजल्ट आएंगे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश की गद्दी के ऊपर बैठेंगे। और उस कड़ी के अंदर जिस प्रकार का माहौल यहाँ पर है कि नरेंद्र मोदी जी को जब लोग वोट दे रहे हैं कुरुक्षेत्र से भारी बहुमत से कमल का फूल खिला करके, यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के पास कमल हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। वो संस्कृति कांग्रेस की देश तोड़ने वाली रही है, जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज उसको मनाते रहे हैं, वो संस्कृति हमारी जिंदा रहनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।